एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद एक जो बड़ी वैकेंसी आपके सामने है वो यूपी एलटी ग्रेड की है। लेकिन इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए एक और गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी चुनावी माहौल होता है तो बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। खैर, आपके लिए एक और जो वैकेंसी सामने निकल कर आ रही है वो केवीएस की है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विद्यालयों में बहुत सारे पद खाली हैं और इसके लिए सुनने में आ रहा है कि कमेटी बनाई जाएगी जिसपे ये फैसला होगा कि कितने पदों पर भर्ती करनी है और उसका भी विज्ञापन जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। तो जितने भी टीजीटी पीजीटी और इसमें आपको टीजीटी पीजीटी और पीआरटी इन तीनों की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, इस पर डिटेल वीडियो की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ये मकसद है कि जिस तरीके से आपने अभी टीजीटी पीजीटी के लिए मेहनत करी लेकिन क्योंकि सीटें कम है तो बहुत कम ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाएगा, तो जितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं भी हो पाया तो वो अब निराश ना हो, वो अपनी तैयारी मजबूत रखे क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलने वाली है। एक तो यूपीएलटी ग्रेड में मिलने वाली जो मस्ट है, जो मतलब कंपलसरीली आपको मिलेगी ही मिलेगी, और जो केवीएस का है उस पर भी कमेटी बनने जा रही है और जल्द ही इसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप निराश ना हो, अपने टीजीटी पीजीटी का जो एक सिलेबस पैटर्न है उस पर अपनी पकड़ बनाए रखें। यूपीएलटी ग्रेड का थोड़ा हाई लेवल होता है इसीलिए आपको अभी से तैयारी करते रहना है और केवीएस भी हाई लेवल एग्जाम है तो इसके लिए भी आपको अपनी तैयारी को मजबूत रखना है और अपने सब्जेक्ट पर बेहतर पकड़ बनानी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दे और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट और गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और अपनी तैयारी कंटिन्यूअस करते रहे। नमस्कार।